आज है हमारे भूरी का बर्थडे। चलो आज भूरी इसको भाग भागम भाग मचा रहे हैं। ना लिए भैया हमारे हमारी काम आ चुका है। मुंह भी चुपा रही है अब तो आ चुका है। तो एकदम रेडी है हम राधा रानी के अभिषेक के लिए एकदम रेडी है। हम थोड़ा धीरे बोलेंगे क्योंकि हमारी गुड़िया सो रही है। देखो तो हमारी नन्ही सी प्यारी गुड़िया सो रही है तो हम धीरे धीरे करेंगे सारा अभिषेक राधा रानी का। कि हमारी छोटी सी किशोरी हमारे घर पे आई हुई है और देखो ब्रज से आई हुई है तो साक्षात किशोरी जी हैं हमारी। तो फिलहाल वो आराम कर रही है और हम अब इनको राधा रानी के रूप में तैयार करेंगे। तो इनका करते हैं सबसे पहले अभिषेक। माता जी क्या कर रही हो? हमारी राधा रानी तैयार है एकदम। कितनी प्यारी लग रही है राधा रानी। ये स्माइल देखो स्माइल। एकदम श्रृंगार करके तैयार है हमारी राधा रानी। जय जय श्री राधे। काला टीका लगाएंगे ना। रसिया मेरो मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रसिया मेरो मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल। सबरी के बेर सुदामा। तो आज का ये महाप्रसाद मिला है मुझे। महाप्रसादम की जय। छोटी सी किशोरी मारे अंग
अले 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 दीदी आज हमारे पापा का है विसर्जन, तो पहले हम करेंगे उनकी पूजा, फिर उनका आज करेंगे विसर्जन। टमाटर, प्याज, गाजर और वो मटर जा रही है हमारी पीछे बुरी से डर के वो जा रही है। चुड़ैल ना, ये चुड़ैल आए बुरी, चल अंदर हो जाए बुरी, बुआ को डरा रख। सही तो डर के जा रही है बुआ, और तू उन्हीं को छोड़ने आया है। बाय बुआ। मेरे बाबू ने थाना थाया कैसा लगा खाना? बढ़िया था। मेरे बाबू ने थाना थाया, ओ मैयारी छोई छोई कर ली, मेरे बाबू ने छोई छोई कर ली है। मम्मा ने खाना दिया, खाना खा लिया, अब मेरे बाबू छोई छोई करना और पूरे बेड पे सो रहा है, पूरे बेड पे सो रहा है। किसी को नहीं सुलाएगा ये किसी को नहीं सुलाएगा। तो आज थी राधा अष्टमी और आज हमने किया अपने गणेश जी का विसर्जन। हमको पापा की थोड़ी सी याद आ रही है, वहाँ पे बैठे रहते थे, इतने क्यूट से लगते थे। तो कल मैंने सवाल किया था कि जब कृष्ण जी ने गोपियों के वस्त्र जो हरण किए थे तब उनकी उम्र कितनी थी, तो किसी ने जवाब नहीं दिया, बस एक ही जवाब आया। एक नहीं दो लोगों ने आंसर किया है, हिमांशी राठौड़ और सागर समर आनंद। सागर समर आनंद तो हमेशा ही हमारे, वो पूरा एंड तक व्लॉग भी देखते हैं और जवाब भी देते हैं, इससे पता चलता है। उन्होंने भी जवाब दिया और दोनों ने ही सही जवाब दिया है, इतनी थोड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ दी है। तो जब कान्हा जी ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे तब उनकी उम्र 7 साल थी, वो बहुत छोटे थे। लोग उन पर सवाल करते हैं ना, गोपियों के वस्त्र चुराते हैं ऐसे करके, उम्र देखो उनकी सिर्फ 7 साल के नन्हे से बच्चे थे। तब उन्होंने ऐसा किया था, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि गोपियाँ जो थी वो यमुना नदी में, तुम्हारी यमुना मैया है, उसमें बिना वस्त्रों के स्नान करती थी। तो उनसे क्या था, यमुना मैया उनको बिना वस्त्रों के देखती थी, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, वायुदेव, मतलब सॉरी पवन देव, सूर्यदेव, सभी उनको बिना वस्त्रों के देखते थे। ये उनका अपमान होता था, जो अच्छी बात नहीं थी। तो उनको इस बारे में बताने के लिए और सबक सिखाने के लिए हमारे कान्हा जी ने ये लीला करी थी। तो इसके पीछे ये लॉजिक है, और आजकल के भौतिक जगत में इस लीला का अलग ही मतलब निकाला जाता है। तो आई होप आपको थोड़ा सा तो अंडरस्टैंडिंग बनी होगी क्या है, और हमारे जो कान्हा जी ने जो भी लीलाएं की है ना, उनके पीछे एक पवित्र उद्देश्य और कारण होता था। कोई ऐसे ही नहीं, आज के भौतिक जगत में जो होती है ना, वैसा कुछ करने के लिए नहीं होती थी। आई होप आपको समझ आया हो, और अब हमको आ रही है नींद। तो आज का व्लॉग इतना ही, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, हरी बोल, हरी बोल। अरे लड्डू, कैसे रात में क्या हो रही है?